इंटेलिजेंस यूनिट की नौकरी छोड़ी, यूपी पुलिस से रिजाइन किया और बन गया भोले बाबा। कौन है सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि, जो खुद को बताता था भगवान शिव का शिष्य? पहले गांव-गांव जाकर दिया प्रवचन, फिर बनाया ऐसा आश्रम, करवानी होगी खुदाई। यूपी के हाथरस का वो बाबा कौन है, जिसकी कथा सुनने गए 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई? क्या बाबा के आश्रम में कोई ऐसा राज दफन है जिससे निकलवाने के लिए सीएम योगी को बुलडोजर चलवाना होगा? ये बाबा है कौन, कहां से आया, कैसे भोले बाबा बन गया, खुद को भगवान शिव का शिष्य बताने लगा, सफेद कपड़ा पहनने लगा, चांदी की कुर्सी पर बैठकर प्रवचन करने लगा? इसकी पूरी कुंडली अब सामने आई है। भोले बाबा का असल नाम है सूरजपाल, बचपन में इसी नाम से घरवाले बुलाते थे। बड़ा हुआ तो आईबी में नौकरी की, लोगों की खुफिया जानकारी जुटाई, कुछ दिनों तक यूपी पुलिस में भी रहा, पुलिस के तौर तरीके सीखे और उसके बाद सीधा एक दिन दिमाग में आया कि चलो कथा कहने चलते हैं, तो नौकरी के साथ साथ प्रवचन करने लगा, गांव-गांव घूम के प्रवचन देने लगा। लेकिन जैसे उसे प्रवचन अच्छा लगने लगा, लगा कि इधर तो जिंदगी सेट है, लोग बाबा बाबा भी बोलते हैं, पैर भी छूते हैं, सुकून से गद्दी पर बैठने को मिलता है और कुछ खास करना भी नहीं होता, तो नौकरी छोड़ दी और कहने लगा मेरा नाम अब सूरजपाल नहीं बल्कि नारायण साकार हरि, साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा है, खुद को संत कहने वाला भोले बाबा खुद कथा में कहता है मेरा कोई गुरु नहीं है। 18 साल तक मैंने यूपी पुलिस में नौकरी की, अलग अलग जगहों पे इंटेलिजेंस यूनिट में तैनाती रही। एक दिन भगवान का एहसास हुआ, उसके बाद पूरी जिंदगी मैंने मानव कल्याण में लगा दी। बाबा का जो पोस्टर आयोजन स्थल पे लगा है उसमें भी यही लिखा है, मानव धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन सवाल है कि मानव धर्म ही मानता था तो फिर हाथरस में बाबा की इंसानियत क्यों नहीं जागी? हाथरस से 48 किलोमीटर दूर जिस फुलरई गांव में कथा का आयोजन हुआ था, वहां जैसे ही कथा खत्म हुई लोग बाहर निकलने लगे, पतले गेट पर वो फंस गए। ये जैसे ही बाबा ने देखा तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा तुरंत मेरे को निकलने का इंतजाम करो। कहा जा रहा है कि भीड़ रोककर पहले बाबा को निकाला गया, जिससे ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। जिन आयोजकों ने इनकी अनुमति ली थी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कितनी भीड़ भी आ जाएगी। ये बाबा कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि यूपी के अलावा कई राज्यों में बाबा के भक्त बैठे हैं। यूपी से सटे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में बाबा के लाखों भक्त हैं, जो बाबा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भक्तों पे संकट आया बाबा भाग खड़े हुए। जिस जगह पर कथा हो रही थी वो जगह शमशान में बदल गई। लोगों के पास तक जैसे ही खबर पहुंची वहां भगदड़ मची है, सब अपनों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, पर वहां का मंजर देखकर कई लोग बेहोश हो गए। जो खड़े थे वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। आम आदमी तो आम आदमी, एक पुलिसकर्मी जिसकी ड्यूटी अस्पताल में लगी थी वो वहां का मंजर देखकर बेहोश हो गया। फिर उसकी मौत की खबर भी आती है। ये पहला मामला है जब यूपी से इस तरह की खबर आई है। हो सकता है जांच के बाद बाबा के कई और बड़े राज खुले और फिर योगी की पुलिस सीधा बुलडोजर लेकर आश्रम पहुंच जाए। और बुलडोजर कुछ पुलिस कर्मियों की कुर्सी पर भी चल सकता है, क्योंकि गलती सिर्फ आयोजकों की नहीं है बल्कि गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने इसकी अनुमति दी। ऐसे आयोजन में इस बात के साफ आदेश होते हैं कि भगदड़ मचने की स्थिति में निकलने के लिए इंतजाम देखे जाएं, आयोजन स्थल का मुआयना किया जाए तभी अनुमति दी जाए। लेकिन लगता है यहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ, वरना इतना भीषण हादसा नहीं होता। ऐसे बाबाओं और आयोजकों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप खुद तय करके बताइए, क्योंकि जो हुआ वो बेहद दुखद है।